हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टडी हिंदी। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे त्योहारों के नाम। त्यौहार कौन से होते हैं जैसे हम लोग सब मनाते हैं, जैसे होली। होली हम लोग मनाते हैं। होली कौन सा है? रंगों का त्यौहार है। तो उसको हम क्या बोलते हैं उस त्यौहार को? होली। रंग से खेलते हैं, गुलाल से, पिचकारी से खेलते हैं, तो वो कौन सा त्यौहार का नाम है? होली। ऐसे ही नंबर टू है दिवाली। दिवाली हम दिवाली में पूजा करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे चलाते हैं और लाइटिंग से घर सजाते हैं, दिए जलाते हैं, तो वो क्या होता है? दिवाली। तो उसमें हम अपने घर में रोशनी करते हैं, तो इस त्यौहार को बोलते हैं दिवाली। पहला है होली, फिर है दिवाली, फिर है ईद। ईद भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें भी सब लोग आपस में गले मिलते हैं और ईद के त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाते हैं। ऐसे ही दशहरा है। दशहरा में आपने देखा होगा कि दशहरे का मेला भी लगता है, दशहरे की पूजा भी होती है और दशहरा में रावण को जलाया भी जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्रिसमस। क्रिसमस भी दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। इसे क्रिश्चियंस लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये हमारे सब क्या है? त्यौहार है। जैसे होली, दिवाली, ईद, दशहरा, क्रिसमस। इसको अपनी कॉपी में आपको नीट एंड क्लीन लिखना भी है और इसको याद भी करना है। ओके चिल्ड्रन।